दबेन उनका एग्जीबिशन मेरे ख्याल से आठवां एग्जीबिशन लेके यहाँ आई है। तो मित्रों आज वो रंग का उत्सव है, आनंद का उत्सव है, उमंग का उत्सव है। हमारे यहाँ प्राचीन भारत काल से 14 विद्या और 64 कलाएं चलती आई है, उसमें से एक विद्या चित्रकला भी है। पुराने काल से चित्रकला को भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। आज सुधाबेन बनारस को लेके अहमदाबाद में आई है, हम उनका अभिवादन करते हैं कि भी अहमदाबाद में बैठे बैठे बनारस का आपने दर्शन करवाया। क्योंकि अपने विदेश से जो कलाकार आते हैं ना, तो अपन उन कलाकारों को वाह वाह करते हैं, अच्छे कलाकारों को वाह वाह करनी चाहिए, मगर अपने यहाँ जो बैठे हैं कलाकार, यहाँ के कलाकार हैं, वो अपने फादर का प्रसन्न जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य की ओर हमारी नज़र कम जाती है। तो हमारे कलाकारों का भी इतना एप्रिसिएशन होना चाहिए। हमारे गुजरात में वो ऐसा कहा जाता है कि वो बड़ौदा कला की नगरी है, भावनगर कला की नगरी है। अब अहमदाबाद में इतने कलाकार काम कर रहे हैं कि अभी अहमदाबाद भी कलाकारों की नगरी होने जा रही है, ये अच्छा चिन्ह है। हमारे यहाँ गुजरात में और भावनगर में खुड़ीदास परमार करके वो मेरे विवाहित भी थे, उन्होंने लोक कला की एक निजी शैली प्रस्थापित की है। उसने भावनगर में अपने स्टूडेंट्स को तैयार किया। आज खुड़ीदास परमार 10 साल से नहीं रहे हैं, मगर भावनगर में जब जब एग्जीबिशन होता है तो भावनगर के 350 कलाकार ये एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। मेरा नाम सुधा श्रीवास्तव है और मैं मैथ्स की टीचर हूँ ऐसे तो, द न्यू ट्यूलिप इंटरनेशनल स्कूल में यहाँ अहमदाबाद में। बट मुझे शुरू से ही पेंटिंग का बहुत शौक रहा है, नेचर हमेशा से मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। तो बचपन में हम बचपन या कहेंगे कि जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया अल्मोड़ा नैनीताल इस एरिया पे, वहाँ से ही मैंने ग्रेजुएशन किया है। तो फिर वहाँ पे मुझे पेंटिंग बनाने के लिए हिल्स, रिवर, ट्रीज, ये सब मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करते रहे। तो मैं अपने कैनवास पे उनको उतारने की कोशिश करती हूँ। और मैं वैसे बेसिकली लखनऊ से हूँ, तो हमारा हमेशा विजिट होता था वाराणसी जाने को, तो वहाँ के टेम्पल्स और घाट भी मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे। मैं वहाँ पे जो साइट मुझे अच्छी लगती है मैं वहाँ के फ़ोटोग्राफ्स ले लेती हूँ और फिर उन्हें अपने कैनवास पे अपनी तरह से एक्सप्रेस करने की कोशिश करती हूँ। तो ज़्यादातर मैं वाइब्रेंट कलर ही यूज़ करती हूँ और उसमें मेरा मीडियम एक्रेलिक रहता है, बट समटाइम्स आई ऑल्सो यूज़ ऑयल कलर्स एंड मोस्टली, बट एक्रेलिक मीडियम आई यूज़।